कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब हमारे सही होते हुए भी सब कुछ हमारे उल्टा होता है। लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, स्थितियां हमारी विपरीत हो जाती हैं, तब हम खुद को अंदर से बहुत कमज़ोर और अकेला समझने लगते हैं और खुद में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमसे क्या गलती हुई या हो रही है जो ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ऐसे में बहुत से लोग अंदर से टूट भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। बल्कि जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन आए तो आपको टूटना नहीं बल्कि मजबूती के साथ खड़े होना है। लोगों द्वारा मारे गए पत्थर से अगर आप खुद को कमज़ोर, नर्वस या दुखी करते हैं तो लोग खुश होंगे, अपनी जीत समझेंगे और आपकी हार। लेकिन अगर आप उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों को ही अपना ढाल बना लें और उनके पत्थरों को पुल बनाकर खुद के तरक्की, विकास और उन्नति में लगाते हैं, तब आपकी जीत होगी और आपके जो आलोचक हैं, आपके जो खिलाफ हैं, उनकी हार। ये जो आपके खिलाफ और आलोचक हैं, यही तो आपकी उन्नति कराते हैं, यही तो आपके अंदर की शक्ति, आपके पावर का असली एहसास कराते हैं। कोई आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, आपकी बेवजह बुराई कर रहा है, आपके खिलाफ बात कर रहा है, तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। बस आप उनकी बातों को इग्नोर करके खुद के मन की, खुद की आत्मा की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते रहें। जो आज आपके खिलाफ हैं, वक्त के साथ एक दिन वही आपके सामने घुटने टेक देंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, दुखी होना है, टूटना है या फिर खुद को अंदर से मजबूत बनाकर लोगों द्वारा फेंके गए पत्थरों को ही इस्तेमाल करके खुद को साबित करना है। जो आपके खिलाफ बोलते हैं या आपके आलोचक हैं, उनके सामने आपको हार नहीं माननी बल्कि खुद को अंदर से मजबूत बनाना है। दोस्तों, एक बात बता दूं, जब भी ऐसा समय आता है तब यूनिवर्स हमको कुछ स्पेशल ही देने के लिए आता है, जल्दी या थोड़ी देर में। लेकिन हम इन सब में कुछ ना समझ पाते, ना ही ठीक से सोच पाते। जितने भी आपके आलोचक या आपके खिलाफ बोलने वाले हैं, अगर आप सही हैं तो बस चुप रहिए, वक्त का इंतज़ार कीजिए, लेकिन कभी भी खुद को अंदर से कमज़ोर नहीं बल्कि एक पत्थर जैसे मजबूत बनाइए। ये वही समय है जब यूनिवर्स आपकी लाइफ को छान रहा होता है, आपकी लाइफ से इन्फेक्टेड लोगों को आपसे दूर कर देता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, कौन लोग आपके साथ हैं, कौन लोग आपका अच्छा चाहते हैं या कौन लोग आपका बुरा चाहते हैं, ये सब ऐसे वक्त में आपको खुद पता लग जाता है। लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ना है, ना कि पीछे। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर, बेवस, लाचार या नर्वस और दुखी फील नहीं करना बल्कि खुद को अंदर से मजबूत बनाकर ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए आपको हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।